नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। फिरोजपुर के गांव वाला रायमल में पानी के झगड़े को लेकर चली गोली, एक की हुई मौत, तीन घायल। अमृतसर के सिविल सर्जन ने बाढ़ प्रभावित गांव में भेजी टीमें, बीमारियों से बचाव हेतु बांटी क्लोरीन की गोलियां, एंटी लार्वा का किया छिड़काव। अरब हलचल विस्तार से। जिला फिरोजपुर के गांव वाला रायमल में पुलिस से पानी निकालने को लेकर हुआ झगड़ा इतना बढ़ गया कि खूनी रूप धारण कर गया। पीड़ित परिवार ने नहीं सोचा था कि खेतों में खड़ा पानी मौत का कारण बन जाएगा। दरअसल खेतों में खड़े पानी को निकालने के लिए पुली बनाई थी, जिसे लेकर साथ लगती जमीन के मालिक ने इसका विरोध किया और इस संबंधी मामला भी दर्ज करवाया गया, जिसके बाद साथ लगते खेत वालों ने कुछ साथियों समेत पीड़ित परिवार पर गोलियां चला दी, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि तीन जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फिरोजपुर से हलचल के लिए मंजीत सिंह की रिपोर्ट। लैके मतलब कि जल्दी फायरिंग हुई। देखो जी, ये चार बंदे जख्मी हुए, मल्टीपल गनशॉट वाउंड्स ने, तो इंजरीज भी है। चारा चो एक जसवंत सिंह नाम के बंदे ने भाला फ्राइमल के आर एफ के थाने पड़े, उन्होंने भी देहांत हो चुके जी की जी इंजरीज, उन्होंने बुलेट इंजरीज दी। अज तक जिन्ना मुढ़ली तफ्तीश सामने आया है कि इन्हों का पानी की निकासी लेके थोड़ा जहा डिस्प्यूट से जोड़े बंद इंजरीज हुई हैं, वो उन्होंने जो दोवें पास की उन्होंने पिछले जोड़े हड़ आए हैं वो पुली कढ़ा के सड़क के एक्सीडेंट सब तो परमिशन लेके इंटरवेंशन ऑफ हल्का MLA इन्होंने वो पटा के पुली लगाई सी, जिस कारण पानी की निकासी हो सकी। जी उत्तरवादी घिर है जिन्होंने इन्होंने हमला किया, उन्होंने इस चीज़ नाल गुरेज सी कि वो सहन नहीं कर सके, उन्होंने इन्होंने निहत्या गनशॉट फायर किए हैं। चारा चो एक की मौत हो गई है, तिनां नूं तीन स्टेबल ने, बट उन्होंने रैफर कर दिया गया है फरीदकोट हॉस्पिटल। अमृतसर में आई बाढ़ के कारण लोग काफ़ी प्रभावित हुए हैं और कई लोगों को बाढ़ के कारण काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसके चलते पंजाब सरकार की ओर से इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने की कोशिश की जा रही है। वहीं पंजाब सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक अमृतसर सिविल सर्जन ने उन गांवों में विशेष मेडिकल टीमों का गठन किया है जहाँ ज़्यादा पानी आया है। इस संबंधी हेल्थ इंस्पेक्टर बलविंदर सिंह ने बताया कि टीमों को प्रभावित क्षेत्रों में रवाना कर दिया गया है। बलविंदर सिंह ने कहा कि अमृतसर सिविल सर्जन कार्यालय से पूरी टीम हमारे पास भेजी गई है। धूसी बांध के आसपास के गांवों में बाढ़ का पानी आ गया है और वे फिर से एंटी लार्वा का छिड़काव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने अपने साथ आई टीमों को क्लोरीन की गोलियां दी हैं ताकि जब बाढ़ के पानी से बीमारी फैलने का खतरा हो तो इन गोलियों को पानी में घोलकर पी लें। उन्होंने कहा कि लोगों से अपील की जा रही है कि वे पानी उबाल कर पिएं ताकि इस पानी से होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। साड़ियाँ टीमां ने साडे कोल ब्रीडिंग चाकर ने, असी एंटी लार्वा स्प्रे करते हैं, उस विच असी टमीफॉस की दवाई है जी असी स्प्रे करनी, अगों पिछों भी करते हैं असं, भावें वह साडा कोई लार्वे वास्ते हो, डेंगू का कोई मलेरिए का, वो सारा काम असी वेख के तो वह स्प्रे जी होंगी है। तो ये अं हूँ स्पैशल अपने टीम जगाइया ने, साडे सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार जी, साडे एपीडमोलॉजिस्ट डॉक्टर हरजोत कौर जी हदायतों के, तो वो असी एक साढ़े को क्लोरीन दी गोलियां जी असी वो मतलब प्रोवाइड करनियां हरियाणा नूं, वो असी इत्थे टीमां नूं देतियां ने कि जिथे इत्थे जिस तरह को पानी आ गया ये मतलब बीमारी जी हैजा टुटियां उल्टियां वगैरह सारा मतलब वह फैलन का बड़ा खतरा होंदा है, तो वह असी घरों घर जाके एक क्लोरीन दी गोलियां दे देंगे कि तां कि लोग जिहड़ा वो पानी जिहड़ा वो मतलब पानी विच पा के ते वो पानी पीण। एक लोगों नूं हिदायत की जाती है कि जिहड़ा पानी जिहड़ा वो उबाल के पीन ता कि जो इस तरह का जो जिथे भी पानी आता है उस तो बाद जो बीमारियां फैलन का खतरा हो जाता है, तो वो असी इन्हों सारे कहता कि तुम इतें ही रहना लगातार इतने ही स्प्रे की जानी है, इस जिथे भी पानी की मतलब मार हो गई साडा बेल्ट एरिया जिन्ना भी।
पहाड़ों में हो रही लगातार बरसात के कारण गत दिवस उच्च दरिया में 2,60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिस कारण मकोड़ा पत्तन के गांव के पास खेतों में पानी भर गया था। वह पानी डेरा बाबा नानक के गांव कोनेवाला के करीब पहुंच गया है। ज्यादा पानी आने से इस दरिया के साथ लगते गांवों के खेतों में भी पानी भर गया है और किसानों की फसलें भी खराब हो रही हैं। इसके अलावा डेरा बाबा नानक में पड़ते करतारपुर कॉरिडोर के निचले हिस्से में भी धूसी बांध टूटने से पाकिस्तान की ओर से आए पानी के कारण कॉरिडोर के निचले हिस्से में पानी भर गया है, जिस कारण फेंसिंग भी पानी में डूब गई है। इस बारे में लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन ने अगर पहले इंतजाम किए होते तो ऐसे हालात नहीं बनने थे, इसलिए प्रशासन ही इसके लिए जिम्मेदार है। इस मौके पर जिलाधीश गुरदासपुर हिमांशु अग्रवाल ने कहा कि खतरे की कोई बात नहीं है, हमारे अधिकारियों ने धूसी बांध में पड़ी दरार को भर दिया है, उनकी टीमें पूरी तरह से तैयार हैं, उनके सभी कर्मचारी और अधिकारी दिन रात काम पर लगे हुए हैं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, हालात पूरी तरह से काबू में है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। उस दरिया तो लगभग 2.5 लाख क्यूसेक पानी जड़ा चढ़िया गया सीगा, ते रावी दरिया तो भी थोड़ा पानी मिला के लगभग 3 लाख क्यूसेक पानी जिला गुरदासपुर के एंटर किया सीगा। दीनानगर मकोड़ा पत्तन एरिया च पानी एंटर होया है, उसे 4-5 घंटे जोड़ा ये पानी चलिया, जिस थोड़ा पानी साडा पिंडा दे विच भी आया, बट रिहायशी एरिया तो यह दूर आ, असी पहले ही रेते प्रबंध कर ले सके, एवैक्यूएशन करा ली सी, जिते साडे सैंड बैग लाने से ला के पानी रोक दिता सीगा। हुण रात नूं अज जिहड़ा सवेरे छेती तो कल रात में ये पानी जिहड़ा डेरा बाबा नानक साडा धर्मपुर पत्तन एरिया हैगा उत्थे पानी चलिया हैगा, उत्थे लगभग 2.25 लाख क्यूसेक पानी है कॉन्टीन्यूसली पिछले 7-8 घंटिया तो चलता पिया हैगा, ते कुछ पिंडां दे विच फिर ये पानी जिहड़ा एंटर किया हैगा, पर रिहायशी एरिया जिहड़े सीगे ओह असीं पहले ही सारे खाली करवा ले सी, उत्थे भी हजे कोई सानूं जान माल की हानि की सूचना नहीं आई है। हुणे थोड़ी देर पहला सानूं पता लगा सी डेरा बाबा नानक पाकिस्तान वाली साइड जीरो लाइन तो थोड़ा पानी जिहड़ा तुसीं मन वाले पासे आया हैगा, उत्थे पहला ही साडी जिहड़ी टीमां हैगियां पहुँच रहीयां हैगियां, पानी नूं जिहड़ा रोक दिता गया है। मेरी सारे निवासियों नूं इही अपील है कि बार बार अनाउंसमेंटां राहीं साडी टीमां राहीं पुलिस दी टीमां राहीं नाके ला के असीं तुहानूं इहदी सूचना दे जांदे हैगे, ते जिथे जिथे तुहानूं रोकिया जांदा है दरिया वल जाण तों उत्थे तुसीं प्रशासन दा सहयोग करो। कल भी सानू कुछ इस तरह के केस मिले सके जिते सानू थोड़ा उन्होंने जोर जबरदस्ती ना उतों लोगों एवैक्यूएट करना पाया क्योंकि वो छड़न तैयार नहीं सके, तो बाद से उत्थे पानी भी भर गया सी। जो दरिया का पानी आ वो अपने लैवल तो बाहर निकला वा, बाहर वेले च पानी जरा काफ़ी हो रहा वा, तो दर्शन स्थल तो सीधा ही पानी जरा वा कोरीडोर इधर आ रहा वा, क्योंकि परे तुसी बन जरा टुटा हुआ वा, तो वो पाकिस्तान वालों पानी पूरे जोर से इधर आ रहा वा, अजे पानी रुकन की कोई संभावना नहीं करा वा। सानू जापदा कि 50% खर्चा रहा तो सानू जापन लिया वा, तो अगों जो परमात्मा ने सुख रखी तो ठीक है, जो होर बारी पिछले बरखा होगी तो उतों बन टुटन का खतरा वा, ये बन इतों बहुत ज़्यादा कमजोर आता हम प्रशासन चाहिए इतने मिट्टी पा के इन बंद करे। कि जालंधर के अधीन आते भोगपुर इलाके में पुलिस के एक होमगार्ड जवान की ओर से अपने ही प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और हाईवे को जाम कर दिया गया, जिसका कारण ये था कि उसके द्वारा कुछ दिन पहले एक मामले में एक युवक को पकड़कर भोगपुर थाने में ले जाया गया था, और जब उस युवक के बारे में होमगार्ड के द्वारा आज पूछा गया तो अधिकारियों द्वारा कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया, जिस कारण उसने पठानकोट हाईवे मार्ग को जाम कर प्रदर्शन कर दिया। वहीं इस मामले में थाना भोगपुर के प्रभारी सुखजीत सिंह ने बताया कि उक्त होमगार्ड के जवान के द्वारा कुछ दिन पहले एक झगड़े के मामले में एक युवक को थाने लाया गया था, लेकिन उस मामले में उक्त युवक के द्वारा अदालत में बेल लगा दी गई और बेल मिल जाने के बाद उसे रिलीज कर दिया गया। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। उस मौके पर जोड़े मुंडे लेंदे से उन्होंने जी प्रॉन्ट वैसे ले लिया सी, बाकी एस टी एम ने उतों उन्होंने एस टी एम कोर्ट ने उन्होंने बेल ले ली है, ठीक है, तो जो बेल ले ली बेल तो रिलीज तो करना ही, ठीक है, बाकी जी कोई ये कह रहे मेरे ना गल पे यहोजी कोई गल नहीं ना इन्हें कोई यहोजी साढ़े को मैं उम्मीद तो अच्छ लगी है, तो यह नहीं होंगे भी जे मेरे मुलाजिम ना भी होगा तो असी आराम के नाल अखों भुखे कर देंगे, ये नहीं हो सकता कभी मुलाजिम था एक दूजे मुलाजिम को कभी खुद मरूगा जब ओपनली सड़क के बच्चे, ठीक है, हो सकता थोड़ा जहा भी हम मैं कैमरे सामने नहीं कर सकता, तो वो बारे भी थोड़ा जहा पता चलिया भी कुछ
ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਹੋਊਗਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। श्री रामलीला कमेटी जालंधर छावनी के प्रधान पद के लिए चुनाव 30 जुलाई को होने जा रहे हैं, तो वहीं इन चुनावों को लेकर जालंधर छावनी का माहौल गर्मा गया है, जिसके चलते अनुज शर्मा ने श्री रामलीला कमेटी के प्रधान पद के चुनावों के लिए बतौर उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र भरा। इस मौके पर प्रमोद शर्मा, राहुल जिंदल, हरविंदर सिंह पप्पू, सुरेश कुमार, शशि, बॉबी गर्ग, सविंदर सिंह, अनिल बख्शी, शोभित, विजय भारद्वाज, मोहित, डिम्पल शर्मा, अंकुर गोयल, बंटी गोयल, अजय गोयल और अरुण गोयल भी मौजूद रहे। जालंधर कैंट से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। जिदा कि तुहानू पता सीगा असी रामलीला इलैक्शन दे फॉर्म आज सबमिट कर दिते है जी, और असी सारे 1100 वाले मैंबर मेरे भरा जिन्ने भी मेरे नाल तुरदे है उन्हों का असी सहयोग चाहते हैं, वो बढ़ चढ़ के सानू वध तो वध वोटिंग करन और सेवा करन दा मौका प्रदान करन। मेरे वड्डे वीर नूं मेरे नाल असी इन्हां दे नाल तुरना है और तुसी सारे जाने ने साडे नाल तुरना है, ताडे सहयोग तो बगैर असी कुछ भी नहीं है। तुसी सानू सेवा करन दा मौका दो और इस प्लेटफार्म नूं असी वधिया तो वधिया लैवल ते लैके जाइए और राम जी दे प्रभु दा गुणगान सारे पूरे जग समाज च होवे। मैं समूह कैंट निवासियों से निवेदन करता हूँ कि मैंने रामलीला कमेटी के लिए प्रधान पद के लिए अपना नॉमिनेशन दिया, तो मुझे एक सेवा का मौका दीजिए ताकि मैं सुचारू रूप से कैंट में एक राममयी कथा का कराकर और अच्छे से दशहरा करा सकूं। इसके लिए मुझे आप सबका सहयोग चाहिए, कृपया अपना सहयोग दीजिए और मुझे कामयाब कराइए ताकि इस बार का दशहरा कुछ हटकर दिखे सबको। जय श्री राम, जय श्री राम। जो कि आज दशहरा कमेटी का जो कि इलेक्शन 30 तरीक न हो जा रहा वै, ਉਹਦਾ ਅਨੁਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਜੋ ਕਿ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਟ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਵੋਟ 1100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਆ ਔਰ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਦੇਣ ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਦੁਸਹਿਰਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਦੁਸਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਪੂਰੇ ਕੈਂਟ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਾਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਸੀ ਅੰਕੁਰ ਗੋਇਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਛਾਉਣੀ ਵਾਸੀਓਂ ਕੋ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਸਹਿਰਾ ਕਮੇਟੀ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ, ਜੋ ਕਿ 30 ਜੁਲਾਈ ਕੋ ਬੜੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਮੇਂ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਸ ਮੇਂ ਸਭੀ ਛਾਉਣੀ ਵਾਸੀਓਂ ਕੋ ਔਰ ਦੁਸਹਿਰਾ ਕਮੇਟੀ ਕੇ ਮੈਂਬਰੋਂ ਸੇ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਵੋ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋ ਉਨਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿਸ ਕੋ ਡਾਲਨੀ, ਪਰ ਹਮ ਕਹੇ ਕਹੇਂਗੇ ਡਾਲਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਹਰੇਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ ਵੋ व्यवस्था देखें, कहाँ का है, वो क्या काम कर सकता है और उसके साथ कौन से लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये हमारी दुसहरा कमेटी बहुत पुरानी है और हर साल इसमें इलेक्शन के साथ कैंडिडेट चुना जाता है। इस बारी हमारे छावनी से अनुज शर्मा जी, जिनको हम प्यार से शिंटू भाई कहते हैं, वो खड़े हुए हैं। सभी छावनी वासियों से विनती है कि वो श्री राम जी के कार्य में पूरी ईमानदारी से वोट डालें, क्योंकि वो ये ना सोचे उनको कोई नहीं देख रहा है, उनको प्रभु श्री राम देख रहा है, इसलिए वो ईमानदारी से ही वोट डालें। आप सबसे यही अपील है, जय श्री राम। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर में गो सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी की अध्यक्षता में 19 जुलाई से 27 अगस्त तक 40 दिवसीय अखंड संकीर्तन दिन रात किया जा रहा है, जिसके दूसरे दिन दोपहर 4 बजे से लेकर सायं 6 बजे तक सामूहिक सुंदरकांड पाठ किए गए, जिसके पश्चात सायं 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक श्री हरि नाम संकीर्तन एवं संत समाज द्वारा सत्संग किया गया। इस दौरान स्वामी कृष्णानंद जी ने विशेष रूप से उपस्थित होकर अपने प्रवचनों के माध्यम से उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन भी किया। इस मौके पर असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन प्रभजोत सिंह की रिपोर्ट। परम दयालु माँ भगवती जगदम्बा सिद्धपीठ देवी तला मंदिर जलंधर पंजाब क्षेत्र में आप हम सब
माँ भगवती जगदम्बा के पावन शरणार्थ में उनकी पावन सिद्ध पीठ में बैठ करके अपनी जीवन के उन दुर्लभ क्षणों को सार्थक कर रहे हैं जिसके लिए हमको ये मान्यजन मिला है। वही प्राप्त मानस धरिया गोविंद मिलन की ये तेरी भैया और काम तेरे कशु न काम बज मिल साध संगत केवल हरि नाम। ठीक है जीवन में जीवन के अपन करने के लिए संसार के काम करने पड़ते हैं सब व्यवहार निभाने पड़ते हैं पर मनुष्य मानव जीवन इससे सार्थक नहीं होता है। अवर काम तेरे कछु न काम करनी चाहिए छोड़नी नहीं चाहिए पर महापुरुष ने गुरु जो ने यही आज्ञा दी है कि अनेकों जन्मों से जो हम भवबंधन में पड़े हुए हैं वो भवबंधन कट जाए और हमारा ये जन्म सार्थक हो जाए उसके लिए हम जीवन में सुकृत पुण्य करें सत्कर्म करें। जिन्नी नाम त्याया गए मुशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छूटी नाल। जो भी अपने जीवन में भगवत आराधना संत सेवा गो सेवा दीन दुखों की सेवा करते हैं उन्हें मुशक्कत करते मेहनत करते हैं उनके मुख उज्ज्वल हो करके संसार से जाते हैं वो भगवत धाम को जाते हैं। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चली एक बंदे जीवीर। सिंहासनों में वही चढ़ के जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में सुकृत पुण्य किए हैं भगवत आराधना करी है गौ सेवा जैसे महान पुत्र कार्य किए हैं और जिन्होंने अपने जीवन में कुछ सत्कर्म सुकृत पुण्य नहीं किए तो पूर्ण जीवों को बार बार 83 लाख योनियों के चक्कर में पढ़ करके अनेकों योनियों में भ्रमण करते हुए महादुख भोगना पड़ता है। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से फिरोजपुर के गांव वाला रायमल में पानी के झगड़े को लेकर चली गोली एक की हुई मौत 3 घायल। अमृतसर के सिविल सर्जन ने बाढ़ प्रभावित गांव में भेजी टीमें बीमारियों से बचाव हेतु बांटी क्लोरीन की गोलियां एंटी लार्वा का किया छिड़काव। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।